हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं टमाटर की चटनी बनाने की आसान सी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं झटपट और आसान तरीके से टमाटर की ये चटनी किस तरह से बनानी है। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 मीडियम साइज टमाटर, जिन्हें बारीक टुकड़ों में काट दिया है। पंचफोरन, ये पंचफोरन 5 तरह के मसालों को मिला के बना है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। लाल मिर्च पाउडर, चीनी और नमक। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, ऑयल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच पंचफोरन। जब हमारे पंचफोरन अच्छे से कड़क जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो बारीक कटी हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच चीनी और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके तब तक के भून लेंगे जब तक के हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से गलना शुरू हो गए हैं। बस इसी तरह से 2 से 3 मिनट हम इन टमाटरों को अच्छे से गला लेंगे। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि टमाटर जो हैं वो अच्छे लाल और पके हुए होने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी टमाटर की चटनी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। यहाँ हमारे टमाटर पूरे अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए। और हमने इस चटनी को बहुत ज्यादा इसके पानी को सुखाया नहीं है। बस इस चटनी को हमें तब तक पकाना होता है जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए, इसके एक्स्ट्रा पानी को हमें सुखाना नहीं है। तो चलिए ये तैयार हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गई है हमारी झटपट और आसान तरीके से टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बनाते समय जब आप इसमें नमक या चीनी डालते हैं तो चीनी आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और नमक हमेशा टेस्ट कर लें, नमक चख लें, क्योंकि टमाटर बहुत खट्टे होते हैं। तो नॉर्मल सब्जियों के हिसाब से जितना नमक हम डालते हैं उससे थोड़ा ज्यादा नमक इसमें जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसे चख के इसमें नमक और चीनी डाल सकते हैं। तो ये तैयार है झटपट और आसान तरीके से टमाटर की चटनी। आप इसे किसी भी तरह के पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, तो आप इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।